इस वीडियो में लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर क्लास बायोलॉजी का मैं आपको सिखाऊंगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या द द लाइफ प्रोसेस होगा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिस्पायरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ते हैं डायजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजिस्टिव से रिलेटेड चीजें जैसे प्रोवाइड एनर्जी फॉर आर बायोलॉजिकल फंक्शन जितने भी शरीर की बायोलॉजिकल फंक्शन है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड हमको हमारे शरीर जिस सिस्टम के थ्रू होती है उसे हम कहते हैं डायजेस्टिव सिस्टम दूसरा पढ़ेंगे रिस्पायरेस्ट रिस्पायरे सिस्टम में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं पहला तो बैसेज इनहेल एक्सेंज इनहेल एक्सेंस एक्सेंट इनहेल में हम लेते हैं ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट जो में है और निकालते सिक्सटीन परसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो अपने माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद एनर्जी जनरेट करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू लेकिन इसे डिटेल में ट्वेल्थ में पढ़ेंगे ये क्लास टेंथ एन एक है गैसियस एक्सचेंज एंड एनर्जी जनरेशन गैसियस एक्सचेंज एक चीज़ है एनर्जी जनरेशन उसी से रिलेटेड दूसरी है तीसरा चैप्टर तीसरा टॉपिक सॉरी तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हम क्या पढ़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है जैसे कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू हम ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक इसमें क्या करते हैं ऑक्सीजन से बहुत सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस और जितने भी सेल्व टॉक्सिक सब्सटेंस बनते है, हैं उन्हें हम सेल उन्हें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सेल से बॉडी फ्लोड के थ्रू होते हुए बाहर निकाल देते हैं यानी कि इन्वायरमेंट को अगर आप पढ़ेंगे एक्सकुलेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव टॉक्सिक साल एंड वॉटर और पी एच भी होता है रिमूव टॉक्सिक वेस्टेस यानी कि शरीर के अंदर मेटाबॉलिज फंक्शन मेटाबोलिक जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना नेसेसरी होता है और नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में बता दें एट लाइक मैरिजर बॉडी के फंक्शन को मैनेज करने के लिए हमारी पूरी बॉडी को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें अदर डिसाइडेड हैं नर्वस सिस्टम में जो कि दो तरह के होते हैं सी एन एस एंड टी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कार्ड आ जाएगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम लो उससे रिलेटेड नर्व आएंगे एक्ट लाइक मैनेजर इज साइड बॉडी रिसीव एड रि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सराउंड के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको रिसीव और उसके तहत रिस्पॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है पूरा फापूरा नर्वस सिस्टम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ये एंड सिस्टम और नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक जैसे कम्युनिकेशन के लिए पूरी बॉडी में एक सेल दूसरे सर से कम्युनिकेट करे एक सेल दूसरे सर से जुड़े वो इसके लिए दो सिस्टम है नर एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू ब्लड में रिलीज करवाते हैं ब्लड के थ्रू तो तो सारा हार्मोन्स जो भी होता है वो हर एक सेल तक ब्लड के थ्रू तो पहुंचता है एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड होती है वो डक्टलेस होती हैं अपना सारा जो मटेरियल सब्सटेंस होता है केमिकल्स होते हैं वो पूरा ब्लड में थी नहीं? मिकल्स केमिकल्स दो फॉर्म में मिलते हैं कॉम्युनिकेशन मेथड के तहत बॉडी को रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ स्पीसीज एंड ऑफ द इसमें हम ये देखते हैं कि स्पीसीज स्पीसीज की जो कंटिन्यूएशन है वो ब्रेक ना हो जैसे मान माल किसी की डेथ हो गई तो उसकी जगह को भरने के लिए नया इंडिविजुअल आना चाहिए इस टॉपिक में हम इसी को पढ़ेंगे अब हम वन बाय वन सारे टॉपिक टॉपिक हैं ये जो पूरे सेवन टॉपिक हैं एक, एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे